मैं वो प्लेयर है साहब जिसे गेम बली ना आता हो, मैदान में उतरा ना खलबली मचा देंगे। ट्रिप का वेट कीजिए, तूफान लेके उठेंगे इस बार। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और मैं उठ गया इतना लेट हो चुका है, जल्दी नहीं उठ पाया। और अपन जा रहे हैं मंदिर में गाड़ी लेने, तो बात करते हैं यात्रा की। तो एक यात्रा करने वाला हूँ फिर से, बहुत ज़बरदस्त वाली। तो उसके लिए दो शब्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट मंथ मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी यात्रा कर रहा हूँ और कहाँ से कहाँ तक की कर रहा हूँ। इसीलिए मैं वो प्लेयर है साहब जिसे गेम बली ना आता हो, मैदान में उतरा ना खलबली मचा देंगे। तो अपने, अरे यार मेरे गली में ये भी रहते हैं, मेरे को पता ही नहीं। मेरे शहर में का बज रहा हूँ शाम का, अरे आता नहीं भाई। तो अपनी गाड़ी निकल गई है, एक वो निकल गई, एक ये निकल रही है सुंदरी अपनी। और मेरे गली में रहते हैं ये बकरियां फूं फूं कर रही है। तो इसको वापस कर देते हैं बंद और चलते हैं बाहर, एक छोटा सा काम है। फर्स्ट ग्रेड टीचर का साइन लेके आना है आधार कार्ड के सर्टिफिकेट पे, जिसमें पापा का नाम चेंज करवाया है। ये काम कल बच रहा था मेरा, इसलिए मैंने किया नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, वो करेंगे आज। हाउ आर यू? हेलो, लिसन आई टेल यू समथिंग। आइए आइए आइए। अरे ओ श्रीदेवी, कैसी हो, पूछ हिला रही हो? तो दोस्तों आज है फ्राइडे और मैं गया था फर्स्ट ग्रेड टीचर के घर पे, तो वो मिले नहीं, तो साइन भी नहीं हो पाया अपना। और वापिस आ गए घर पे, हम घुमा के और अब यहाँ पे पड़ जाएंगे वापिस, सोते ही रहे हम तो दिन भर। तो अभी इसमें देखते हैं पानी की बोतल है कि नहीं, ठंडी नहीं है क्या? अरे यार पानी की बोतल भी नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं। ओहो भाई साहब, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा तुम्हें? ओ वाओ क्या व्यू है। तो जी अपने पासपोर्ट का काम हुआ नहीं है, तो आज फ्राइडे है, टीचर के पास गया था फर्स्ट ग्रेड के, तो वो घर पे मिले नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अब इवनिंग में देखेंगे, अगर मिलेंगे घर पे तो जाएंगे, क्योंकि तो उनके नंबर लेके आ गया हूँ मैं, बात करेंगे उनसे। अभी तक नंबर तो ले लिए हैं उनके घर से, उनके जो बेटा है उनसे लिए थे नंबर, तो वो अपना दोस्त है, तो वो बोला है कि उसने बोला है कि इवनिंग में डैडी आएंगे घर पे, तब बात करेंगे उनसे। तो थोड़ी सी दिक्कत बैठ रही है, क्या करें। अब सोच रहा हूँ एक सरप्राइज दे दूँ आपको बहुत जल्दी, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ एक काम के लिए पीछे। तो वीडियो देखो यार, रीच गिर रही है वीडियो की, प्लीज़ ऐसा मत करो यार, बुरा लगता है अंदर से। ये जो पास में टेंट दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर चल रही है भागवत, एक पहले चल रही थी एक वीक पहले, और कल एक और शुरू हो गई है,
तो दिन भर हम प्रवचन सुनते हैं भगवान जी के। तो अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, ये देखिए अंदर काम भी चल रहा है, वहाँ पे लोग बाग बैठे, सफाई वगैरह चल रही है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं है, देखो भी मत। आपको आना हो तो आ सकते हो, यहाँ से मेरी जो भी पब्लिक देख रही है, तो भागवत का टाइम मैं बता दूँ आपको 28 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी, और करीब 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, तो तुम आना चाहो तो आ सकते हो। और आज क्या कहते हो तुम, बारिश आएगी कि नहीं आएगी ये बताओ, कमेंट बॉक्स में करके बता दो मेरे को कमेंट्स। बाकी और जल्दी से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वीडियो की रीच गिर रही है, क्योंकि अपनी पब्लिक चाहती है कुछ नया, और मेरे को नया करने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा बाहर। तो जल्दी से जल्दी अपन निकलेंगे यहाँ से बाहर और लेके आएंगे कुछ नया अपनी पब्लिक के लिए, जिससे आपको, आप लोग हो जाओगे खुश मिसाज हो जाओगे, खुश नहीं खुश मिसाज हो जाओगे। तो बहुत जल्द एक विस्फोट करने वाला हूँ मैं, तो बने रहिए आप अपन मेरे साथ में, बहुत ही अच्छी चीज़ लाने वाला हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर, वो टाइम जल्दी आने वाला है, थोड़ा वेट कीजिए। एक छोटी सी दिक्कत है, वो तो दिक्कत पूरी हो जाए पासपोर्ट वाली, उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी ट्रिप करने वाला हूँ, जो मेरे शहर के लिए तो नहीं है और मेरी पब्लिक के लिए भी नहीं है, अभी तक किसी ने नहीं किया होगा ये, तो वो करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आर यू एक्साइटेड और नॉट, टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। ओके तो जी, हाय दोस्तों, मैं आज गया था अपने पासपोर्ट का काम करवाने, लेकिन वो हुआ नहीं, तो उसमें दिक्कत आ रही है छोटी सी। पूछो क्या दिक्कत? ये आ रही है कि उसमें मेरे पापा के नाम में चेंजेस है थोड़ा, तो उसमें दिक्कत आ रही है, अब उसको आज करेक्शन करवाया है, तो वो 3 दिन अपडेट होने में और लगेंगे, तो अब पासपोर्ट थोड़ा और लेट बनेगा। मैंने सोचा कि ये आधार कार्ड अपडेट होते ही अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, अब दुबई का प्लान पोस्टपोन हो गया थोड़ा, अब थोड़ा लेट जाएंगे, क्या करें, परेशानियां तो बहुत लिखी हुई है आज जीवन में, तो परेशानियों को झेल रहे हैं। तो ऐसा है दोस्तों, संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, तुम भी करो, हम भी करेंगे, सब करेंगे मिलके। तो एक बहुत बड़ी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं, जो मेरे शहर के लिए तो बहुत बड़ी है, अभी उसको रिवील नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल भी रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी यात्रा करने वाला हूँ, बहुत बड़ी यात्रा करने वाला हूँ, इसको अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ एंडिंग वीक में आपको बता देंगे, पक्की बात है। तो ये मेरे शहर फलौदी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है कि ये कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी दोस्त हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये कर रहा हूँ, पर वो ट्रिप बहुत ज़बरदस्त ट्रिप होने वाली है मेरे लिए और फलौदी वासियों के लिए, मतलब मेरे जाने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली है। तो ये ट्रिप करूँगा मैं बहुत जल्दी, और आपको नेक्स्ट मंथ में इसकी अपडेट दे दूँगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वापिस अपन को जाना है एल्विस भाई से मिलने, तो बिग बॉस जीतते ही, जीत के विनर बन के आएंगे, तब अपन जाएंगे वापिस गुड़गांव एल्विस भाई से मिलने, क्योंकि अपनी यात्रा तो पूरी होगी थी, लेकिन मैं उस आदमी से मिल नहीं पाया, तो उनसे मिलूँगा वापिस जाके। तो अभी के लिए तो इतना ही है, और नेक्स्ट ट्रिप बहुत रॉक होने वाली है अपनी,
तो बने रहिए आप मेरे साथ में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका दिल से। तो जी आप आ गया वापस घर थे, क्या है घर आ गए हैं अपन वापस, तो बैठे हैं घर के आगे, टहल रहा हूँ खाना पीना करके, अभी जस्ट निकला था बाहर, टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। वॉक करना मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो आप भी वॉक किया करो यार। अभी जस्ट खाना खा के निकला ही था बस मैं घर से, तो वॉक किया करो यार तुम भी, मैं भी करता हूँ तुम भी किया करो, अच्छा ही होता है वो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है वो ट्रिप, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को उस ट्रिप के अंदर, क्योंकि अकेला आदमी पैदल यात्रा, समझ रहे हो ना। इस बार बहुत ज़बरदस्त ट्रिप होने वाली है ये और बहुत बड़ी यात्रा होने वाली है ये, और काफ़ी लोगों को मज़ा आने वाला है इसमें, और कुछ हेटर्स हैं मेरे जो चाहते हैं कि ये ऊपर ना चढ़े, मतलब कि ग्रो ना करें अपने जीवन में, तो उन हेटर्स के लिए भी बहुत अच्छा जवाब है ये, जल्दी ही दूंगा मैं उनको भी। और जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ट्रिप का वेट कीजिए, तूफान लेके उठेंगे इस बार बहुत ज़बरदस्त वाला, और अभी इतनी शांति इसलिए है क्योंकि तूफान के आने से पहले थोड़ी शांति रहती है, तो इस बार बहुत ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो अपनी वॉक कंप्लीट हो गई है, काफ़ी देर वॉक कर ली अपन ने, तो मैं वीडियो जब शूट नहीं कर रहा था उससे पहले भी मैं कर रहा था वॉक, तो अभी अभी के लिए कंप्लीट हो गई वो, तो अब जाएंगे घर पे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को करते हैं अपन यहीं पे एंड। ओके।